sinirlerin hür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सावत से, देख रहे हैं आप सिर्फ पाकिस्तानी चैनल। नई से नई वीडियो लेकर आते रहते हैं, लेकिन आप कहते होंगे कि टर्की की बड़ी वीडियोज़ आती हैं, तुर्की की बड़ी बात होती है। आई लव यू तुर्की, आप तुर्की से प्यार करें। तुर्की है ही बड़ी ज़बरदस्त चीज़, बड़ी ज़बरदस्त रियासत, सल्तनत, अपने अंदर बहुत बड़ी तारीख का समंदर समाये हुए है। जो भी तुर्की की तारीख से नाशना है तो वो समझें कि अभी तक उसने दुनिया की तारीख नहीं पढ़ी। तो तारीख और तुर्की, ये दो चीज़ों के एक ही नाम है और दो नामों की एक ही चीज़ है। तो आपसे एक गुजारिश है कि तुर्की ज़रूर जाएं ज़िंदगी में एक मरतबा। तो जो तुर्की एक दफ़ा देखेगा फिर वो तुर्की का ही हो जाएगा। तो बात आज ये थी कि 2023 के बाद तुर्की कैसा होगा। 2023 के बाद तुर्की ऐसा होगा कि शायद मेरे वो भाई जिनके जहन में यूरोप और शेंगन का कीड़ा है, कीड़ा वो इंशाल्लाह ताला हट जाएगा। वो कहेंगे कि काश हमें तुर्की का वीज़ा मिल जाए, काश हमने तुर्की में सेटलमेंट कर ली होती। ये वक्त आने वाला है, आपके तसव्वुर से भी बाहर है। आज भी टर्की 17वें नंबर की मईशत है, 17वें नंबर की, और शेंगन के 28 ममालक हैं। तो अगर पहले 16 ममालक जो टर्की से ऊपर हैं मईशत में, वो सारे के सारे शेंगन कंट्री भी हों, तो फिर 16 ऊपर हैं, 28 कंट्रीज़ हैं शेंगन में। तो 12 तो नीचे हुए ना, 16 ममालक अगर शेंगन के तुर्की से ऊपर हैं तो 12 हो गए नीचे। जबकि ये बात नहीं है, वो 16 सारे शेंगन कंट्री नहीं है, उसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया वगैरह वगैरह की मईशत भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि शेंगन के आज भी 6-7 मुल्क सिर्फ तुर्की से ऊपर हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। बात है 2023 की, 2023 के बाद पूरी तौर पर टर्की अपनी आबनाई बाज फोर्स से, जो उसका समंदर है, उससे टैक्स लेना शुरू कर देगा। आप इमेजिन करें, मैक्सिको के साहलों से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, जहाँ सूरज तलूक होता है, उनके साहलों तक जितने कंटेनर और जितनी आबदोजें और जितने शिप मगरब को जाते हैं, मगरब वाले जो मशरक को आते हैं, तो जब उनसे वो टैक्स कलेक्ट करेंगे तो दिल्ली के हिसाब से आप हिसाब लगा लें कितने डॉलर इकट्ठे होंगे। उसके अलावा फौरी तौर पर उसको ड्रिलिंग की इजाज़त हो जाएगी अपने समंदर के अंदर। आज टर्की गैस या तेल नहीं निकाल सकता, जबकि उसकी मशीनरी और उसकी अफरादी को वो दुनिया में खिदमात सर अंजाम देती है। पाकिस्तान के लोग, खासकर रेंटल पावर का नाम सुना होगा, ये उधर के हैं, और ये कार के कंपनी वगैरह जो हमारी सोना के तलाश करती है, मादरियात बलोचिस्तान में, ये भी उनकी है। इतना वो माशाल्लाह खुद कफील है मशीनरी में, अफरादी कुवत में। और इसके अलावा जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ था 1923 में, तो जो उस वक्त भी तकरीबन 46 ममालक खिलाफत के अंडर थे, तो उन ममालक में जो एसेट्स थे वो इंशाल्लाह ताला एसेट्स भी वापस मिलेंगे। और जब वो सेल आउट होकर उसके पैसे टर्की के हजाने में आएंगे, तो टर्की की मईशत कहाँ से कहाँ शेटअप हो जाएगी। और भी काफ़ी बातें हैं, तो जो इतनी लंबी वीडियो नहीं बन सकती, फिर कभी इंशाल्लाह इस मौजू पर बात करेंगे। तो तुर्की ज़रूर जाएं, 2023 मेरा और आपका इंतज़ार कर रहा है। उससे पहले TRC कार्ड हासिल करें, उधर कोई परमानेंट रहने का बंदोबस्त कर लें। परमानेंट से मुराद है पाकिस्तान ना छोड़ें, लेकिन उधर को कारोबार, कोई रहाइश, कुछ ना कुछ कर लें। इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए साहब से इसको इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, तुर्क पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद।